आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। गौठान के निर्माण का किया गया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के जिला जांजगीर के अंतर्गत आने वाले ग्राम सियोड़ में आज गौठान का भूमि पूजन पूर्व विधायक और गौ सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रामसुंदर दास महान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें राज्य महिला आयोग की सदस्य शशिकांता राठौर, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रीति सिंह, जनपद सदस्य गणेश साहू, पेंड्री के सरपंच सीमा श्रीकांत, पंचगढ़ व ग्रामीण उपस्थित थे। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रामसुंदर दास महंत का आगमन नवागढ़ सियूड में हुआ, जहां हजारों की संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे। रामसुंदर दास महंत व उनके साथ मंच में उपस्थित सभी आगंतुकों का स्वागत सरपंच, पंच, ग्रामीणों और आसपास के ग्राम सरपंचों द्वारा पुष्पमाला पहनाकर किया गया। फिर निर्माण का भूमि पूजन मंत्रोच्चारण के बीच सम्पन्न हुआ, जिसके बाद गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रामसुंदर दास महंत ने अपने उद्बोधन में गौ को सभी जीवों की माता बताया, साथ ही गौ के द्वारा मिलने वाले लाभों के विषय में भी बताया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि गोबर से बने दीप का निर्यात विदेशों में हो रहा है, जो अपने आप में देश और हम राज्य वालों को गर्व का अनुभव कराती है। साथ ही गौ वंश को गौठान निर्माण के द्वारा बचाया जा सकता है, जो कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। गौठान निर्माण के भूमि पूजन से सरपंच और ग्रामवासी उत्साहित नजर आए। श्री राम सुंदर दास महंत ने गौ माता का पूजा अर्चना किया गया। छत्तीसगढ़ जानकी नवकर राछा भाटा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। आज हम लोग ग्राम सीउड, जो नौगढ़ विकास खंड का ग्राम है जिला जांजगीर चांपा का, वहाँ सेट निर्माण के भूमि पूजन के लिए आए हुए हैं और जनपद पंचायत के सम्माननीय अध्यक्ष प्रीति सिंह जी, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के सदस्य सुश्री शशिकांता जी, गांव के सरपंच जानकी साहू जी, उप सरपंच और सभी वरिष्ठ जन जनप्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हैं, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष बाबू राघवन प्रताप सिंह जी, जिला पंचायत के सदस्य गणेश राम साहू जी, सबके सब यहाँ उपस्थित हैं और सबकी इस उपस्थिति में गौ माता सुरक्षित संरक्षित बैठ सकें, इसलिए शेड निर्माण का भूमि पूजन आज संपन्न हुआ है। बहुत जल्द शेड निर्माण होगा और सुव्यवस्थित यह गौठान बनेगा, जहां गौवंशी यहां रह करके सुरक्षित संरक्षित रहेंगे और जो गांव के गलियों में या शहर के चौक चौराहे घूमते हैं वो सब यहां सुरक्षित रहेंगे। किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के यह बहुउद्देशीय कार्यक्रम है, यह हम सबके सहयोग से संपन्न होगा और यह सफल होगा। जहाँ तक मेरा मानना है और पूरे गांव वालों का, अभी जो योजना चल रहा है और अभी आए हुए थे हमारे परम सम्माननीय राजेश श्री रामसुंदर दास जी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से बताया और समझाया। और जहाँ तक ये योजना के तहत हमें लाभ मिलेगा और गाँव के किसान भाइयों और सभी को यह इसका फ़ायदा मिलेगा, और सभी जगह देखा जा रहा है कि गोबर खरीदी बहुत तेज़ी से हर जगह हो रहा है और आगे भी हम बहुत ही अच्छे से देखना चाहेंगे इसे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।